बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक और मुफीद वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आज कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर आप जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं, वहां का वीज़ा लेकर वहां पर जॉब ढूंढते अपने वीज़े को जो है वहां पर वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जॉब सीकर वीज़ा की जो है वो सीरीज़ शुरू की है हमने, जो लास्ट वीडियो में आपको जो है वो UAE के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रिया के जो है वो जॉब सीकर वीज़ा के बारे में बता रहे हैं। जॉब सीकर वीज़ा जो ऑस्ट्रिया का है, ये क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए है जो कि थर्ड कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, इन कंट्रीज से जो है अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी आज आपको बताते हैं। इसको डी वीज़ा भी कहते हैं, जॉब सीकर वीज़ा को। ये आप अपने मुल्क की जो भी जहाँ पर हैं वहाँ पर उस मुल्क की जो एम्बेसी है ऑस्ट्रिया की, वहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर सऊदी अरब के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप VFS के थ्रू कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इसके आपको टोटल जो पॉइंट्स होते हैं उसमें से आपको 70 पॉइंट्स लेना होते हैं, 100 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने उसमें से जो है 70 पॉइंट्स हासिल कर लिए तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। अब वो पॉइंट्स किस बेस पर होते हैं आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो जो पॉइंट्स हैं वो आपके एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन हो तो उसके 20 पॉइंट्स होते हैं। और अगर आपकी मैथमेटिक्स इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेटिक्स नेचुरल साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर आपकी स्पेशलाइजेशन हो तो 30 पॉइंट्स उसके होते हैं। अगर आपने हाई क्वालिफिकेशन है जैसे PhD वगैरह तो उसके 40 पॉइंट्स होते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी जो सैलरी रेंज है वो 50 से 60 हज़ार है, 60 से 70 हज़ार है, और अगर 70 हज़ार से ज़्यादा है साल में तो उसके पॉइंट्स हैं 20, 25 और 30 पॉइंट्स हैं। जितनी जिस रेंज में आप आते होंगे उसके इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर तो आप रिसर्च या इनोवेशन एक्टिविटीज़ वगैरह में हैं और तब भी 20 पॉइंट्स हैं, और अगर आपको कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं जो रिकॉग्नाइज प्राइजेस हैं उसके भी 20 पॉइंट्स होते हैं। आपके वर्क एक्सपीरियंस के आपके 20 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम जो अलाउ होते हैं, जो कि आपकी सीनियर पोजिशन पर होने चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस जो है हर साल के 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर तो आपका ऑस्ट्रिया के अंदर कोई एक्सपीरियंस है तो उसके 10 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आपको जर्मन या इंग्लिश जो लैंग्वेज है स्किल उसका जो है A1 लेवल किया हुआ है तो उसके 5 पॉइंट्स हैं। जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स यानी कि अगर उससे ज़्यादा A2 लेवल है तो 10 पॉइंट्स हैं। B1 लेवल है तो 5, स्पेनिश लैंग्वेज B1 लेवल है 5, अगर आपको क्रोएशियन, सर्बियन ये कोई लैंग्वेज आती है तो उसके भी 5 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपकी एज जो है 35 साल तक है तो उसके 20 पॉइंट्स हैं, 35 साल से ऊपर 40 साल तक जो है वो 15 पॉइंट्स हैं, और 45 साल से ऊपर जो है वो 10 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद अगर बात करें तो जो 5 पॉइंट्स हैं वो डिप्लोमा प्रोग्राम के होते हैं, जो कि टोटल जो ECTS पॉइंट्स हैं उस पर होते हैं। और इसके अलावा जो है कंप्लीट डिप्लोमा प्रोग्राम है या बैचलर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम है वो आपने कर रखा है तो उसके 10 पॉइंट्स होते हैं। ये टोटल जो है अब जो है आपको कुछ भी साथ मिला के आपने जो है वो मिनिमम जो है वो आपके 70 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनमें से जो भी आपकी एज का, एक्सपीरियंस का, क्वालिफिकेशन का, नॉर्मली 70 पॉइंट इजीली हो जाएंगे तो वो आपके हो जाते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने डी वीज़ा जो है या जॉब सीकर वीज़ा जो है ये अप्लाई करना है। हाँ, अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है मैंने बता दिया। आपने अपने मुल्क की एम्बेसी या कौंसलेट के थ्रू अप्लाई करना है, वीज़ा फॉर्म फिल करना है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको कौन कौन से सबमिट करने होंगे, आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट फोटो चाहिए होगी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास अकोमोडेशन का प्रूफ देना है, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस देनी है, और इस तरह की आपकी जो चीज़ें हैं, और आपने अगर बैंक स्टेटमेंट जो इसके अलावा जितने भी सफिशिएंट आप एविडेंस जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करने हैं, और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपने वो प्रोवाइड करने हैं, सैलरी से रिलेटेड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं, और अगर कोई रिसर्च इनोवेशन वगैरह हैं वो, वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी, अगर कोई लैंग्वेज स्किल आपने की हुई है तो उसका आपको प्रोवाइड करना होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं उसके लिए ज़रूरी होंगे। जॉब सीकर वीज़ा की जो फ़ीस होती है वो 150 जो है वो पाउंड होती है, और इसके अलावा एप्लीकेशन 120 पाउंड होती है, ग्रांटिंग के 20 पाउंड होते हैं। और फॉर्म्स वगैरह की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। आपने जो है वो आप जो VFS है उसके थ्रू आप जब उसकी अपॉइंटमेंट लेंगे तो वहाँ जाकर आप तमाम अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म सबमिट करने के बाद वह अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फ़ीस पे करने के बाद VFS में कर सकते हैं। VFS आपका पूरा केस जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोसेस करेगा ऑस्ट्रियन एम्बेसी में, और आपका जो वीज़ा है वो आपका लगकर आ जाएगा अगर आपके पॉइंट 70 टोटल हो जाते हैं तो। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं wasimrana.vlog@gmail.com पर, या आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।